शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके स्टार और क्या हो सकता है आज आपके साथ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में आप थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है, आपका मन उदास हो सकता है, हताशा आपके जीवन में आ सकती है, थोड़ी सी लो एनर्जी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आप विवाद की स्थिति में भी आ सकते हैं। खासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में किसी प्रकार का खिंचाव हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण खिंचाव हो सकता है जो आपके जीवन में थोड़ी सी आपकी मुसीबत को बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें और चीज़ों के वक्त पर टालें तो आपकी ये बुरी चीज़ें भी निकल जाएंगी। व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो दिन आपका शुभ है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृषभ राशि वालों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, लाभ होगा, यात्रा आपकी धार्मिक भी हो सकती है, आपकी स्थितियां पहले से बेटर होंगी, चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, कार्य व्यापार में आप उन्नति करेंगे और हो सकता है कि कोई आप नए वाहन खरीदने की प्लानिंग भी कर लें। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपकी बेटर है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में पहले से स्थिति बेटर है, लाभ है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है, उदास हो सकता है। आप अपनी चीज़ों का समय का प्रबंधन उतने बेटर ढंग से नहीं करते। मैं हमेशा आपको सावधानी देती हूँ कि समय के उपयोग सदुपयोग को समझें, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आपको झेलना पड़ेगा लेकिन चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है, काफ़ी उन्नति करेंगे आप और आगे भी आपकी चीज़ें बेटर होंगी। लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से थोड़ी सी आपको बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट या मानसिक प्रेशर रह सकता है जो समय के साथ कम हो जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, अचानक लाभ होगा जिससे कि आपके बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी अचानक, जिनके विवाह के योग बहुत दिनों से नहीं बन रहे थे उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे और उनके विवाह को लेकर चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर समय अच्छा है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो समय का लाभ उठाएं। बिल्कुल स्थिति परिस्थिति आपके अनुरूप बनती हुई नज़र मुझे आ रही है। तो चलिए एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन उत्तम है लेकिन थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, फाइनेंशियल स्थिति आज आपकी बेटर रहेगी लेकिन पर्सनल मामलों में उलझ सकते हैं जिसके कारण आपका मन थोड़ा खराब हो सकता है, किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। तो आज शांत रहें आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, लाभ आपको कम होगा, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका विवाद हो सकता है और आपके साझेदारों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी आप पर हावी रहेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी बिगड़ती हुई नज़र मुझे आ रही है। तो सोच समझकर पैसों को खर्च करें अन्यथा भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उत्तम है, आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी व्यवस्थित होंगी लेकिन कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी रखें और अगर किसी प्रकार के नशे की लत आपको है तो बिल्कुल उसे त्याग दें अन्यथा आपको भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में भी पहले से स्थिति बेटर है, लाभ आपको हो सकता है लेकिन वो लाभ आपको फाइनेंशियल नहीं होगा, व्यवस्थित किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, प्रेमी के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, पति पत्नी के मध्य अगर कोई विवाद चल रहा हो तो वो बेटर हो सकता है, आपको कोई काम की नई रास्ता दिख सकता है। लेकिन सिर्फ रास्ता देखने से ही नहीं होता, हमको रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना भी होता है। तो अपने मन को अपने ख्याली पुलाव से निकालकर कार्य की यथार्थ की वास्तविकता में आए तभी आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या बोलते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में भी पहले से स्थिति बहुत अच्छी है, आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी बेटर होंगी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन भरी स्थिति मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, लेकिन हताश ना हो, समय के साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी लेकिन कार्य में उन्नति होगी, ये तो बिल्कुल 100% दिख रहा है मुझे कि आपको लाभ की स्थिति ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ की राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति अच्छी है, आपको लाभ होगा, अचानक आपका पैसा फंस सकता है लेकिन कहीं ना कहीं कार्य व्यापार में आप उन्नति भी करेंगे,
खर्च की अधिकता कहीं ना कहीं आपको ये फील कराएगी कि पैसों का प्रेशर आपके जीवन में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण मन आपका थोड़ा बोझिल हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में भी थोड़ी सी खिंचावट रहेगी, मन खराब रहेगा, मानसिक स्थिति बेटर नहीं है। धन लाभ कार्य लाभ तो आपको होगा, लेकिन पर्सनल रिश्तों में, पर्सनल संबंधों में आप उलझ कर रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बेटर नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि आपकी चीज़ें बेटर हो जाए। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।